हेलो एवरीवन एंड होप यू ऑल आर डिंग वेल मैं हूं आप लोगों का हुटिन दोस् पुनीत और आज का वीडियो ना थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है उसके पीछे रीजन ये है कि मैं आज कैमरास के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ बिकॉज कैमरा के बारे में हम हमेशा बात करते हैं इस चैनल पे आप जब सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हो या कुछ भी किसी भी टाइप की प्रोडक्शन में हो चाहे आप फिल्म शूट करते हो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एडवर्टाइजमेंट वेडिंग प्री वेडिंग वट यू शूट्स देखो हम लोग कैमराज बारे में बात करते हैं तो आपने मेरा FX, FX3 वाला वीडियो मेरे चैनल पर जरूर देखा होगा और साथ साथ में एफ एक्स थर्टी का रिव्यू वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पर डालने वाला हूँ बट मैं आज बात करूंगा सपोर्टिंग एक्सेसरीज के बारे में सो so, होता क्या है जब आप शूट्स पे रहते हो चाहे आप सिंगल पर्सन शूट करो या क्रू में शूट करो चाहे आप वेडिंग शूट करो वेडिंग में भी देखो हम साथ में असिस्टेंट लेके चलते हैं और अगर आप यू नो एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल फिल्म मेकिंग में या फिर शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज में हो तो वहाँ तो ऑलवेज आपके साथ में असिस्टेंट यानी क्रू रहता है और एडवर्टाइजमेंट में तो ऑफकोर्स आपके साथ में डायरेक्टर भी रहता है जो कि डायरेक्शन देता है आर्टिस्ट को तो इस सिचुएशन में ना आपके पास एक राइट इको सिस्टम होना चाहिए प्रोडक्ट्स का एक्सेसरीज का जो कि आपको हेल्प आउट करेगा प्रोडक्शन के टाइम में आपकी वीडियो शूट्स के तरीके को सिम्प्लीफाई और स्ट्रीमलाइन करने में तो मैंने अब तक बहुत सारे यू नो कंटेंट शूट किया है अपने करियर में एंड आई हैव फाउंड किया एक अच्छी एक्सेसरी का सेट आपकी लाइफ सेट कर देता है अब एक्सेसरीज में किन एक्सेसरीज़ की बात कर रहा हूँ देखो चाहे आप शूट करो किसी भी टाइप के वीडियोज़ कुछ कुछ एक्सेसरीज नेसेसरी होती हैं प्रोडक्शन के टाइम पे कैमरे के अलावा ऑफकोर्स अच्छा कैमरा अच्छा लेंस इट्स अ थिंग दैट वी यूजली कैरी बट एक्सेसरीज अगर आपके पास में कुछ है तो वो सोने पे सुहागा है अब देखो क्या क्या एक्सेसरीज हैं जो मैं अभी इन दिनों में यूज कर रहा हूँ तो मैंने रिसेंटली ना हॉली लैंड के कुछ जो है एक्सेसरीज परचेज करी है मैंने बहुत सारे वीडियोज तो अपने चैनल पर भी अपलोड किए हैं हॉली लैंड से रिलेटेड जैसे कि मैंने कॉस्मो सीवन मार्स सेवन रिसेंटली एक मोनिटर डाला था वीडियो साथ साथ में सॉलिड कॉम सीवन मार्स फोर हंड्रेड एस ऐसे वीडियोज में ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ बट मैं ये क्यों चीज़ें परचेज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ ईजी कर दी प्रोडक्शन के टाइम पे और मैंने अभी जो सबसे यूजफुल चीज़ यूज करी रिसेंटली अपने कॉन्टेंट क्रिएशन में दैट आई हैव यूज जो है वो मोनिटर फाइव इंच का अब चाहे आप किसी भी टाइप के शूट्स करो आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो सोलो शूट करते हो और साथ साथ में अगर आप बाय एनी चांस क्रू में शूट करते हो तो इन केस ऑफ दैट आपको सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक्सेसरी की जो नीड रहती है वो रहती है एक्सटर्नल मॉनिटर की उसके पीछे रीजन क्या है जो कैमरे का मॉनिटर है ना वो इतना इनफ नहीं होता बिकॉज ऑफ़ वो छोटा भी होता है और अगर आप हार्श सनलाइट में जाके शूट करोगे तो उसकी ब्राइटनेस भी इतनी नहीं होती कि आपको एक्चुअल विजुअल व्यू दिखा पाए ऑन टॉप ऑफ स्क्रीन अब देखो मैंने ऑलरेडी यू नो एटमोस का निंजा फाइव यूज़ किया है मैंने मेरे पास में जो है वो फील्ड वर्ल्ड का मोनिटर भी है मैंने लिलीपुट भी यूज़ किया है बट मेरे को क्या यूनिक चीज़ लगी मार्स एम जो कि मैंने अभी रिसेंटली हॉलीड का परचेज किया था सबसे पहले तो प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल है जो कि अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड की प्राइस रेंज के अंदर आता है सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वो अपने आप में एक ट्रांसमीटर रिसीवर है उसका जो कलर कैलिब्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है रैक सेवन नाइन पे एक प्रोफेशनल कलर कैलिब्रेशन में आता है स्क्रीन की ब्राइटनेस थाउजेंड निट्स की है तो आप आउटडोर इवन अगर आप भरी धूप में भी शूट करोगे स्क्रीन पे आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा साथ साथ में अफकोर्स वो एक अपने आप में ट्रांसमीटर रिसीवर है अब उसका एडवांटेज क्या है अगर आप शूट पे हो आपने मॉनिटर अपने कैमरे पे लगा रखा है तो वो एक वाईफाई फाई फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेगा जो कि 150 फिफ्टी मीटर्स तक की रेंज को सपोर्ट करती है और आप अपने स्मार्टफोन को जैसे मैंने यहाँ पे अभी देखेंगे तो मेरा आईपैड मॉनिटर बना हुआ है यहाँ पे तो ऐसे ही आप अपने स्मार्टफोन को और अपने आईपैड डिवाइसेस को एज एन फुल फ्लैश मॉनिटर के तौर पे यूज कर सकते हो तो अगर आपके शूट्स में अगर आपका कोई डायरेक्टर बैठा है या फिर आपका कोई असिस्टेंट है जिसे आपको ओवरऑल व्यू दिखाना है स्क्रीन पे तो इस सिचुएशन में आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता कि वो आपका एक मॉनिटर भी बनेगा साथ साथ में एक ट्रांसमीटर भी बनेगा मैंने एटमोस भी यूज किया इतना महंगा है निंजा फाइव मैंने फीलवर्ड भी यूज करा किसी में भी ऑप्शन नहीं आता तो एक अफोर्डेबल ट्रांसमीटर रिसीवर बनने वाला वो मॉनिटर है

बट सॉलिड कॉम सीवन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉकबैक सिस्टम है मैंने जो है वो चार का यू नो परचेज किया था सेट आपको सिक्स और एट तक के ऑप्शनलिटीज़ मिलते हैं एक बहुत अफोर्डेबल है जो चार का मैंने लिया था वो अराउंड सिक्सटी एट थाउजेंड का पड़ा था और अगर आप कोई भी जनरल टॉकबैक सिस्टम देखो जैसे हम लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं शूट्स में वॉकी टॉकी की कॉस्ट ही बहुत हाई होती है और उनको यू नो ऑफिशियली इंडिया में यूज़ करना अलाउड नहीं है बट जो सॉलिड कॉम सीवन है वो एक नई डिफरेंट बैंडविथ पर आता है और वो भी बहुत अच्छी रेंज का ट्रांसमिशन देता है साथ साथ में एक बहुत डिसेंट ऑडियो क्वालिटी आप आपस में यू you नो know, सुन पाएंगे अब प्रोडक्शन में इसका बहुत यूज़ होता है जब आप यू you नो know, कहीं पे बहुत सारे लोग हैं सेट लगा हुआ है पूरा शूट कर रहे हो और आप अपने यू you नो know, अपने असिस्टेंट से बहुत दूर हो अपने डायरेक्टर से बहुत दूर हो कैमरा मैन बहुत दूर है तो सिचुएशन में आप एक्चुअली में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो उस हेडफोन को यूज़ करके तो प्रोडक्शन में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मैंने उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जब जब सेट पे चार पांच लोग होते हैं तो हम चारों लोग आपस में उसे कनेक्ट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे थर्ड जो चीज मुझे अच्छी लगी प्रोडक्शन के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ सीवन अब कॉस्मो सीवन एक ट्रांसमीटर है तो मैंने दो ट्रांसमीटर्स लिए हुए हॉलीलैंड के कॉस्मोसिवन लिया हुआ है और मार्स 400S लिया हुआ है मार्स 400S बहुत अफोर्डेबल है बट जो उसकी ट्रांसमिशन रेंज है वो थोड़ी कम है और जो कॉस्मोसीवन है वो थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव है बट जो उसकी ट्रांसमिशन रेंज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है कॉस्मोसिवन की जो ट्रांसमिशन रेट है वो अराउंड थाउजेंड फीट तक की है यानी 300 सौ मीटर्स तक की और वे एक डिफरेंट बैंडविथ को यानी से लेके फाइव पॉइंट वन की गार्ड की बैंडविथ को यूज़ करता है अगर आपका मॉनिटर काफ़ी दूर भी यानी ट्रांसमिशन आप काफ़ी दूर तक भी भेजना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आपको ज्यादा दूर की ट्रांसमिशन रेंज का नीड नहीं है तो इन केस ऑफ दैट आप यू नो नॉर्मल ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे कि मार्स फोर हंड्रेड परचेज कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और साथ साथ में जो ट्रांसमिशन जो रेंज है वो भी बहुत ज्यादा डिसेंट है गाइस जब मैं ये वीडियो कम्पलीट कर रहा था उसी के बीच में मैंने ये नया ट्रांसमिशन सिस्टम भी परचेज करा हॉलीलैंड का जो कि मार्स फोर के ट्रांसमिशन सिस्टम है सो so, अभी इसका एडवांटेज ये है कि देखो यार ये फोर के रेजोलूशन तक का ट्रांसमिशन दे सकता है और जो कॉस्मोसीवन और मार्स फोर हंड्रेड एस था वो जो है सारे फुल एच डी ट्रांसमिशन तक को सपोर्ट करते हैं तो ये जो ट्रांसमीटर है ये और नेक्स्ट लेवल पे चले गए अगर आप फोर के ट्रांसमिशन देना चाहते हो किसी भी

ट्रांसमीटर्स देखने को मिलते हैं एक रिसीवर देखने को मिलता है और ये मोनो और साथ साथ में स्टीरियो दोनों को सपोर्ट करता है सबसे अच्छी बात है ये स्मार्टफोन पे कनेक्ट हो जाता है तो मैं अगर स्मार्टफोन से कंटेंट बना रहा हूँ वहां मुझे ऑडियो की नीड है उसमें ये बहुत अच्छा है 200 हंड्रेड मीटर्स तक का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है विद दिस बॉक्स ये जो बॉक्स है अपने आप में इसमें बैटरी है तो ये चार्ज करते रहते आपकी ईयरफोन होती है वैसे ही चार्ज होता है एक्जैक्टली exactly ये और उसकी वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है वो ट्वेंटी आवर्स का है और इट्स सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर आप बैटरी बैकअप्स की यूनिट्स की बात करो तो वो अराउंड एट आवर्स तक का है तो काफ़ी देर तक आप इससे रोलिंग कर सकते हो एक इसका फीचर जो मुझे अपने पर्सनल प्रोडक्शन में लगा है वो लगा है नॉइस कैंसिलेशन तो इसमें आपको एक नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिलता है तो ये बेसिकली सारी बैकग्राउंड की नॉइस को रिमूव कर देता है तो इसमें एक बटन है यहाँ पे ये जल्लो वाला बटन आप जैसे प्रेस करेंगे कि नॉइस कैंसलेशन ऑन कर देता है और ऑडियो में से सारी नॉइस को हटा देता है तो ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो इन दिनों में मैं अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ ये पूरा इको है प्रोडक्शन का एक्सेसरीज uh, का जो मुझे बहुत काम आता है शूट्स के लिए इस सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं आप जा करके जरूर चेकआउट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा देखिए कैमराज एज आई एड इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट बट ये एक्सेसरीज एक एक्स्ट्रा एड ऑन है फ्लेक्सीबिलिटी देती है मुझे प्रोडक्शन के टाइम पे अपने कंटेंट को स्ट्रीम लाइन करने में तो ये आप जरूर ट्राई करिए आपका लाइफ इजी हो जाएगा वीडियो शूट करते टाइम पे थैंक यू सो मच गाइस अगर आप लोगों को तो वीडियो पसंद आया तो करले चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर ले मुझे फेसबुक पे स्टेट यूनियन की शूटिंग